अभी मैं शॉप पे जाने के लिए बोल गया हूँ रेडी, और रिद्धि भी जा रही है मेरे साथ में। उसको लग रहा है उसको भी घुमाने के लिए ले जाने वाला हूँ। रिद्धि बाय कर दो, बाय। प्लेन प्लीज दे दो। चलो तो वहाँ पे हमारी चाबी है गाड़ी की, गाड़ी की चाबी लो, पकड़ो पकड़ो जल्दी से निकाल दे। ये देखो बाय बाय। चाबी मिल गई है, अब टेंशन नहीं है इसको, अब इसको कंफर्म हो गया कि जाने वाली है। जाओ मम्मी के पास, मैं जाऊँ शॉप पे। दे दे मम्मी के पास, जाओ जा मम्मी के पास जा। सो गाइस अभी बज चुके हैं 12:15 और शॉप पे आ चुका हूँ मैं, और पप्पा देख सकते हो यहाँ पर हमारा कल का व्लॉग देख रहे हैं। और अभी फिलहाल कोई क्लाइंट नहीं है, पूरा शॉप खाली है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह एडिट कर लेते हैं, क्योंकि खाली टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा वीडियो बना लूँ, ताकि बाकी का टाइम हमारा बच पाए और हम लोग दूसरा कुछ काम कर पाए। तो चलिए करते हैं हमारे एडिटिंग, और जो भी कुछ होगा आज ब्लॉग में पूरा देखेंगे। और कल का ब्लॉग नहीं देखे होगे तो जरूर जाना दोस्तों, ब्लॉग हमारा देख लेना, क्योंकि डेली ब्लॉग अब मैं लाऊंगा, कितना भी टाइम कम पड़े लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए डेली ब्लॉग ला पाऊँ। तो कल का ब्लॉग देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेरी बालकनी से कितना बेहतरीन सा सनसेट दिख रहा है, ये देखिए कितना अमेजिंग सा सनसेट दिख रहा है, ये देखिए। और अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे बालकनी का व्यू। जूमिंग करते हैं, ये देखो कितना बेहतरीन सा सनसेट हो रहा है, अच्छा आ रहा है ना। तो अभी जस्ट मैं शॉप से घर पे आया और अब भी फ्री हुआ, और ये देखिए रिद्धि कितना मस्ती कर रही है। रिद्धि छोड़ छोड़ उसको, अपने को जिम नहीं करना है, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, बहुत मस्ती करने लगी रिद्धि। यहाँ यहाँ देखो, यहाँ ये देखो, वो बहुत मस्ती करने लगी, बहुत मस्ती। सब लोग देखो तुमको देख रहे हैं, सब लोग तुमको डांटेंगे। अभी देखो कितना मस्ती करती है ये रिद्धि। पप्पी दे दो। तो बैक साइड में आपने देखा कितना बेहतरीन सा सनसेट हो रहा है, देख सकते हो आप लोग हमारी बालकनी से। और अभी चलिए चलते हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं, भूख लगी है, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह बनाने में जैसे कि पता है कि काफ़ी टाइम हो गया। और अभी बज रहे हैं 7, और अब चलते हैं खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि आफ्टरनून का खाना मैंने अब तक खाया नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम होगा, वहाँ पर 2-3 क्लाइंट आ गए, और देन उसके बाद में मुझे वीडियो शूट भी करना था, तो वीडियो शूट वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा आधे घंटे में, फिर आधे घंटे बाद फिर हम लोग चलेंगे शॉप पर। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद में निकलते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करके। और यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉग चालू है, यहाँ पर ब्लॉग देख रहे हैं हम लोग फ्लाइंग बीस्ट का। न रिद्धि फ्लाइंग बीस्ट का ब्लॉग देख रही है ना तू, ये देखिए यहाँ फ्लाइंग बीच का ब्लॉग चालू है, यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे रिद्धि भी हमारी ब्लॉग देख रही है ना, रिद्धि ब्लॉग देख रही ना तू भी। और यहाँ पे हमारा सनसेट पूरा हो चुका है, और यहाँ पे देखो पूरा सनसेट हमारा हो चुका है।
तो दोस्तों सनसेट पूरा ख़त्म हो चुका है और अब शाम के धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा और मुझे भी अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना है, देन उसके बाद में शॉप पे जाना है। तो पूरा डे मेरा किस तरह से बिज़ी रहता है मैं आप लोग को ब्लॉग के ज़रिए दिखा पा रहा हूँ और आप लोग व्यू देख पा रहे, व्यू कितना बेहतरीन सा आ रहा है। तो जो कल हमारे घर पर मेहमान आया था उन्होंने लाया थी कैडबरी जो कि डेरी मिल्क, तो हमने वो रिद्धि को दिया, तो देख सकते रिद्धि कैसे खाएगी अभी देखना आप लोग। वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो गया था, हमने उसे फ्रीजर में रख दिया था और वो फ्रीजर में रहने की वजह से एकदम कड़क जैसे कि पत्थर जैसा हो गया था। फिर थोड़ा टाइम हमने उसे बाहर रखा और देखिए ठंडा लगने की वजह से रिद्धि कितना ज़्यादा खुश हो रही है। ये ज़्यादातर व्लॉग में मेरी बेटी का ही शूट करता हूँ क्योंकि मैं मेरी बेटी का जो पुराने जैसे कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो इस तरह के पूरे जो वीडियोज़ देखेगी तब उसे थोड़ा सा अमेजिंग सा लगेगा और मुझे भी कभी भी वीडियो देख पाऊँगा तो मुझे एक अच्छा लगेगा। तो मैं ये सारी फीलिंग आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सारे वीडियोस आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा हूं और मैं मेरे लिए भी रख रहा हूं ताकि मैं कभी भी चाहूं मैं मेरी बेटी का पुराना वीडियो देख पाऊं किस तरह से वो छोटी थी और किस तरह से मस्ती करती थी सारा कुछ। तो आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट ज़रूर करना और स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा व्लॉग और अच्छा बनाने की कोशिश करूँ और हम लोग कहीं घूमने जाए तो भी उसका व्लॉग बनाए। तो फ़िलहाल ट्रैवलिंग कहीं हो नहीं रही, जब ट्रैवलिंग होगी तब ट्रैवल का भी वीडियो बनेगा। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हो मैं रिद्धि के साथ किस तरह से मस्ती कर रहा हूँ, जो चॉकलेट था वो चॉकलेट को मैं देखिए किस तरह से ऊपर नीचे करके उसे थोड़ा सा हैरान कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ी सी मस्ती करे। तो आप लोग को कैसा लग रहा है इसकी मस्ती मुझे बताना। तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, व्लॉग देखते हो, तो व्लॉग देखने के बाद कमेंट्स भी किया करो ताकि मुझे पता चले। तो चलिए ज़्यादा चॉकलेट नहीं खिलाएंगे हम लोग, जैसे कि आप लोग को पता है कि बच्चे लोग को ज़्यादा चॉकलेट नहीं खिलाया जाता। तो चॉकलेट तो अभी फ़िलहाल बस उसे मैं 2 से 3 बार ही खिलाया। अब उसका एक छोटा सा दोस्त जो कि बाजू में रहता है वो भी आ गया है, तो ये देखिए वो भी डेली पूछने आता है छोटी क्या कर रही है, छोटी क्या कर रही है। तो छोटी जब भी सोई रहती तो रिटर्न चला जाता है, लेकिन जब रहती तो थोड़ा देर 5-10 मिनट रुकता है देन उसके बाद में चला जाता है। तो देखिए वो किस तरह कैमरे में देख रहा है और छोटी के साथ में अभी थोड़ा देर 5-10 मिनट खेलेगा, उसके बाद वो वापस से चला जाएगा। तो रिद्धि देखो कैसे अपने दोस्त को देख रही है और वो उसके साथ में खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल छोटी है, वो अभी सिर्फ बैठ पा रही है, चल फिर नहीं पा रही है। जब चलने लगेगी तब और ज़्यादा मज़ा आएगा व्लॉग में आप लोगों को। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 8 और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 बजे आया था, खाना खाया और थोड़ा सा सो गया, फिर अभी नहा धो के फ्रेश हुआ हूँ और यहाँ पर रिद्धि देख सकते हो बिस्किट खा रही है। रिद्धि क्या खा रही है? रिद्धि बिस्किट खा रही है। ओ रिद्धि बिस्किट खा रही है। तो यार रिद्धि बिस्किट खा रही है और अपना ब्लॉग भी देख रही है पुराना वाला। तो चलिए चलते हैं हम लोग और निकलते हैं अभी, क्योंकि एक दो क्लाइंट बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, फटाफट निकलते हैं, शूज पहनते हैं और लिफ्ट में चलते हैं। तो उसके बाद हम लोग रात में जब शॉप बंद करके निकल रहे थे तब हमने एक फ्रूट की दुकान पर हमने गाड़ी रुकाई और फिर यहाँ पर देख सकते हो कि डैडी मैंगो ले रहे हैं। तो ये लेने के बाद फिर हम निकले हमारे घर के लिए, तो घर पे निकले और फिर उसके बाद में हम पहुँचे पार्किंग में और गाड़ी हमारी खड़ी किए और देन उसके बाद में हम घर पर आए। तो दोस्तों इस तरह हम लोग का रेगुलर का डे रहता है। आप लोग को कैसा लगता है व्लॉग पूरा डे टू डे, कैसा आप लोग को एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे लाइफ का आप लोग बताना ज़रूर कमेंट्स करके, आप लोग कमेंट्स करिए। और हाँ अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर दिए हैं, अब चलते हैं घर पे और देखते हैं मेरी बेटी रिद्धि क्या कर रही है, कितना मस्ती कर रही है, वो सब देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। खेल रही है क्या? बजाओ जरा गुनगुना, कहाँ गया? देख दी क्या? बुला लो, बजाओ बजाओ बजाओ, बजा दो बजा दो। हाँ बजा दो, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं बजाना है, गुनगुना बजाना है। हाँ वेरी गुड, बजाओ। अरे रिद्धि क्या लगा रही है? फेयर एंड लवली क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम लगा रही है क्या? अरे वाह, लगा ले, लगा लो फेयर एंड लवली क्रीम, लगा लो। वाह भाई वाह भाई,